बच्चों गुड इवनिंग, कैसा चल रहा है? धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अगला चैप्टर में सॉलिड स्टेट है ना, जो आपके बोर्ड में तो नहीं आएगा और लेकिन नीट और JEE के सिलेबस में इसको रखा गया है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो सॉलिड स्टेट होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी लगभग चैप्टर 3-4 दिन में, आई थिंक 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा इसके बाद थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा यही रहेगा 30, इस महीने की 30 तारीख तक सॉलिड स्टेट खत्म करने का। ठीक है ना बेटा? ठीक है, इसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज मैं आपसे कराऊंगा, मैं अपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह जो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हूँ तो उसको भी मैं कराऊंगा। तो वो एलन के टेस्ट से पहले मैं अपने को टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद आप जो है एग्जाम देंगे एलन का। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर आप लोगों से कमिटमेंट किया था, ठीक उसी तरीके से हम अपने बात को कंटिन्यू करते हुए वर्क करेंगे। ठीक है, तो जो हमने प्रॉमिस किया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार जो है टेस्ट सीरीज पहले हमारा चलता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब जो है अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें सल्फर डाइऑक्साइड, तो कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शंस है, ये एज इट इज पूछी जाती है, इसमें कोई चक्कर चक्कर वाली बात नहीं है, परेशान होने की दिक्कत नहीं, बैलेंस इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। फिर भी मैं एक बार हिंट कर देता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। पहले मैंने लिखा, पहले इसको नोट करें, लिखा बच्चों देखो, पहले लिखा है कि SO2 की रिएक्शन जो है पानी के साथ करेंगे तो H2SO3 बनेगा, है ना, कुछ अलग से नया कारनामा नहीं है। अगर हम HNO2 के साथ करेंगे तो H2SO4 बनेगा। ठीक, जब हम CuCl2 के साथ करेंगे एक्वस मीडियम में तो Cu2Cl2 में कन्वर्ट होगा, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है वही प्रोडक्ट आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं Mg के साथ करूंगा, देखो MgO भी बनेगा, MgS भी बनेगा, राइट। अगर मैं NaClO3 सोडियम क्लोराइड के साथ करता हूं तो ClO2 बनेगा, अंडरलाइन करने की बात है, ये पूछा भी खूब जाता है। ठीक, और अगर मैंने FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दिया है, ध्यान से देखो, तो FeCl3 ही बनेगा। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ रहा? ठीक है, और ये रिएक्शन फिर से आप आगे चल के फिर डिसोसिएट हो जाएगा और दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट करिए बच्चों फटाफट। फिर FeCl3 फिर डिकम्पोज होता है बच्चों, है ना, तो आगे जरूरत नहीं है। लिखा सोडियम थायोसल्फेट, ये अगर पूछा जाएगा तो एम्स कि एग्जाम में पूछा जाएगा और JEE में, तो है ही सिलेबस में। अब देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन SO2 के साथ करेंगे तो Na2SO3 बनेगा, सल्फर पाउडर के साथ ये Na2H2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉइस्चर कांटेक्ट में Na2H2O3 में फॉर्मेशन होगा और इसी को बोलेंगे सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सॉरी Na2SO3 लिखा लिखा जाएगा, गलत लिख दिया मैंने। ठीक, Na2SO3 प्लस Na2SO4। अच्छा, अगर मैंने Na2H2O3 की रिएक्शन पानी के साथ कर दिया क्लोरीन के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगर मैंने थायो की रिएक्शन आयोडीन के साथ कर दिया तो S4O6, अंडरलाइन कर लेना, जब भी पूछा जाता है ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, और इसकी रिएक्शन मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, राइट। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, तो सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, इसको इसको आप लिख सकते हो Na2S4O6 भी लिख सकते हो और इसको Na2SO4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपनी कॉपी में चाहो तो लिख लो कि S4O6-2 बराबर जो है Na2S4O6। ठीक है, Na2S4O6 अपनी कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो, और SO4 को लिख सकते हो Na2SO4, ये भी लिख सकते हो। लिखा बेटा,
नेक्स्ट डालो या नेक्स्ट चैप्टर डालो, 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप को कहते हैं हैलोजन फैमिली, 17 ग्रुप को कहते हैं हम हैलोजन फैमिली, क्योंकि मैक्स इनकी जो टेंडेंसी हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो 17 ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली या सॉल्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो लिख लो 17 ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, ठीक। अब जनरल इंफॉर्मेशन, जैसा कि हर चैप्टर मैंने शुरुआत किया हुआ है, जनरल इंफॉर्मेशन में पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन, तो किसी भी 17 ग्रुप का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, NH2NP5। इसके आगे लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, लिख लिया बच्चों। अच्छा अगली बात देखो, चाहे एटॉमिक रेडियाई हो, चाहे आयनिक रेडियाई हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या होंगे, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिक्रीज करेंगे, सॉरी इंक्रीज करेंगे, गलत लिख दिया मैंने, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज करेंगे, लिखा बेटा। नेक्स्ट देखो, ये कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ये एब्जॉर्ब कौन सा करेगा, एपीयर किस कलर में होगा। अगर फ्लोरीन होगा तो सनलाइट की वायलेट रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर दिखाएगा। अगर क्लोरीन है, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन येलो कलर दिखाएगा। अगर ब्रोमीन है तो सनलाइट की यूवी लाइट को ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, रेड दिखाएगा। ब्लू और रेड करके बहुत बार कई बार सवाल पूछा गया, ऐसा कुछ सवाल उनको कोऑर्डिनेट में भी देखने को मिला था। अब जो है, अगर जो है आयोडीन है तो येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट पर्पल दिखाएगा। अगर एसेटाइन है तो ऑरेंज रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा और इंडिगो कलर जो होता है ये दिखाएगा, डार्क कलर का जो होता है ब्लू कलर, वो इंडिगो बोलते हैं, वैसा वो दिखाएगा। तो ये जो कलर्स हैं, कौन कौन से एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन से इमिट्स करता है, जनरली आपसे पूछे जाते हैं, एक दो पूछे गए इसलिए मैंने सारे लिखा दिए। एक दो पूछे गए, जैसे क्लोरीन का पूछा गया है, एस्टाटाइन का पूछा गया, यानी एटी का पूछा गया, तो एक दो ये पूछे गए तो मैंने सबके लिखवा दिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, जब दो पूछ लिए तो और भी पूछ सकता है। अच्छा वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। कैसे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है वैलेंसी निकालने का, 18 माइनस, है ना, क्या निकालते हो, 18 माइनस 17 ग्रुप, राइट। ये फॉर्मूला यूज करते हो, लास्ट ईयर मैंने बताया भी था, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। इज दैट क्लियर, नोट करो। लिखा बच्चों, आगे देखो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, है ना, आप जानते हो रीजन, ठीक है, आपको लिखवाया गया है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी भी डिपेंड करेगा इनडायरेक्ट में, देखो अगर ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है, ठीक है, और इसका कम होता है इसके रिपल्सन की वजह से। ऑक्सीडाइजिंग पावर खूब पूछा जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बचाओ तो लिख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली डिपेंड ऑन
ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा देखो, अब लोन पेयर जो है फ्लोरिंग का कम है ना, यानी कि फ्लोरिंग का कम होने की वजह से जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें ओवरलैपिंग की वजह से इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये जब भी पूछा जाएगा ऐसे टेस्ट पूछा जाएगा, तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे कम कहाँ होगा, आयोडीन साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होगा, मैक्सिमम होता है और फ्लोरीन में थोड़ा सा कम होता है ना, इसको याद करने वाली बात होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर तो मैंने लिखवाया ही है ना, देखो लिख दिया मैंने, और यहां पर इसके साथ साथ एक बात और लिख दिया मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो HOCl की ज्यादा होगी और HCl4 की कम होगी। अगर एसिडिटी पूछे तो HClO4 की ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर हम एसिडिटी पूछेंगे तो HClO4 की ज्यादा होगी और HOCl की कम होगी, लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पूछेंगे तो HOCl की ज्यादा होगी और HClO4 की कम होगी। कॉपी के अंदर कोड कर लेना, ठीक है बेटा। रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड ऑन साइज, लिख लेना डिपेंड ऑन साइज, ठीक है, डिपेंड ऑन साइज, रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड ऑन साइज। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज इसका होगा और सबसे कम इसका होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा तो इसका सबसे रिड्यूसिंग होगा, इसका सबसे कम होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो HI में भी सेम वही कॉन्सेप्ट, डिपेंड ऑन साइज, इसमें मैक्सिमम होगा और इसमें मिनिमम होगा। रिएक्टिविटी की हम बात करें तो रिएक्टिविटी फ्लोरिंग के केस में सबसे ज्यादा होती है, यानी फ्लोरिंग के साथ रिएक्टिविटी होती है तो अंधेरे कमरे में भी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर दिखाता है, तो फ्लोरिंग की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और आयोडीन सॉलिड होता है और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, लिख लो, फ्लोरिंग रिएक्ट्स इन डार्क है ना, एंड इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, राइट। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स रेडियाई होगा, हाइड्रेशन एनर्जी आप जानते हैं इनवर्स रेडियाई होता है, तो इनवर्स रेडियाई, तो रेडियाई सबसे ज्यादा इसकी होगी आयोडीन की, जिसकी रेडियाई ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी रेडियाई कम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स रेडियाई, लिखा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर मॉलिकुलर मास बढ़ेगा है ना, ऊपर से नीचे आने पर मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लिखवाया था, लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, बात खत्म हो गई। ये देखो, ये देखो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट, नोट करो। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर एसिडिटी में देखो, HI की एसिडिटी इसलिए ज्यादा होती है कि H और I के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जब H और I के बीच में बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वहां से हाइड्रोजन का निकलना उतना आसान होगा, जहां से हाइड्रोजन का निकलना आसान होगा वो सबसे बढ़िया एसिड होगा। तो अगर हम HX मॉलिक्यूल में कहते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा, HI होगा, और सबसे कम होगा HF होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अगर हम HClO4 के केस में ले रहे हैं तो एसिडिटी निकालने के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो इसके बीच में क्या लिखोगे, किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर पर, ठीक। अगर हम HOF मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, HOI, ठीक, सही कर लेना, HOI है ये, ठीक। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसमें होगा, नाइट्रोजन में, क्यों ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, राइट,
यहां भी नाइट्रोजन, तो इसका मतलब जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। अच्छा इस केस में देखो जरा, अब इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां HF के केस में प्लस माइनस है, पोलर है, ठीक है, तो पोलर नेचर की वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां पर रीजन जरूर लिखेंगे, है ना, यहां रीजन जरूर लिखेंगे, यहां पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा, नोट करो। अब लिखो इंटर हेलोजन कंपाउंड, लिखो बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता भाई, देखो बच्चों दो या दो से अधिक हेलोजन आपस में मिलकर के एक बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो लिखो बच्चों टू और मोर देन टू हेलोजन कंबाइन टू फॉर्म्स ए बाइनरी कंपाउंड, combined to forms a binary compound which is known as interhalogen compound, ठीक है, interhalogen compound। next line से लिखो interhalogen compounds are of following types, पहला type क्या हो जाएगा, AB type, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा AB3 टाइप, तीसरा हो जाएगा AB5 टाइप, और लास्ट हो जाएगा AB7 टाइप, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं रेडियाई या साइज की बात कह रहा हूं इंटर हेलोजन कंपाउंड में, एक ही रेडियाई हमेशा बी से ज्यादा होगी, राइट, नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात और सुनो, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा, +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, यहां पर कितना होगा, +5, और यहां कितना होगा, +7, राइट, या इसको लॉजिक को समझो, है ना, मेरी बात समझना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा। अगर हमने कहा कि मेरे पास कॉन्फिगरेशन जो है, जो मैंने कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है बच्चों, तो कॉन्फिगरेशन मेरे पास क्या है, NS2 और NP5, ये है कि नहीं है बेटा जी, है, चलो अब देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मेरे को, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब बताओ, अगर मैंने P में कह रखा है तो P में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसके बाद अगर मैंने कहा 3D में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी बताओ, तो D में कितने हैं, D में 0, राइट, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। इस केस में देखो इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, मेरी बात समझो ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ये दिख रहा है, तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, किसका, 1 का। अब इसके बाद अगर हम जो है हम ये कहते हैं कि मेरे पास फर्स्ट एक्साइड स्टेट में आना है साहब,
तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में यहां पर एस है और यहां पर आपका है पी, इज दैट क्लियर? ये आपका पी है और ये आपका है डी, इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, ये डी है। अब यहां से बेटा, यहां से ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पांच हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के पहुंचा, यहां पर कूद के पहुंचा। तो अब देखो अनपेयर्ड कितने हैं, चलो ऐसा बना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनपेयर्ड कितने, तीन। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, तीन आया। अभी मैंने लिखवाया है कि एक तीन पांच सात, थोड़ा समझो। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को चाहिए सेकेंड एक्साइट स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा जी इधर देखो ध्यान से, ये एस है और ये आपका क्या है, ये आपका पी है और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। साहब हो गया कि नहीं हो गया, कितने बॉक्स आपके पास, फाइव बॉक्स बना दिए मैंने साहब, है ना, दिख रहा है आपको। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके और इसमें कितना है, अच्छा यहां से एक इलेक्ट्रॉन और कूद के कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो अनपेयर्ड अब बताओ कितने हैं बच्चों, बताओ मेरे को, पांच। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, प्लस फाइव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब देखो, अगर मैंने कहा आपसे कि मेरे को थर्ड एक्साइट स्टेट चाहिए, तो थर्ड एक्साइट स्टेट के लिए आप देखो एस मेंटेन और ये आपका पी है, दिख रहा होगा, और ये आपका क्या है, डी है, ये आपको दिख रहा है, राइट, ये डी है। और अब देखो ध्यान से, यहां तो अनपेयर्ड हो गया, ये स्टेबल हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के अब यहां जाएगा, यहां पहले से मेंटेन, यहां देखो। अब अनपेयर्ड कितने हैं बताओ, एक यहां, तीन यहां, चार और तीन ये, टोटल सात हो गए। तो एक बात मेरे को बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये जो केस हम देखने को मिल रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट, लेकिन फ्लोरीन में ये नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास होता है नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या मेरे को बात बताओ, क्या फ्लोरीन केस में ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, प्लस वन देखने को मिल रहा है, प्लस थ्री देखने को मिल रहा है, प्लस फाइव देखने को मिला है, प्लस सेवन मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल कोवेलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल कोवेलेंसी। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, तो वेरिएबल कोवेलेंसी क्या इसमें पाया जाएगा, फ्लोरीन में इसमें एबसेंट होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि क्या वेरिएबल कोवेलेंसी, अगर मैं वेरिएबल कोवेलेंसी पूछता हूं, तो आप सीधे सीधे क्या कह दोगे बच्चों, एबसेंट, और उसका रीजन क्या लिखोगे, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसके पास वेरिएबल कोवेलेंसी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा एक बात और देखो ध्यान से, कि इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर ही आपके इंटर हैलोजन बने। तो मैंने अभी लिखवाया है इंटर हैलोजन, क्या लिखवाया, प्लस वन प्लस फाइव प्लस सेवन, सॉरी प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। तो ये मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंटर हैलोजन का लिखवाया है, वो इसी बेस पर लिखवाया है, इज दैट क्लियर? तो अब देखो, पहले इतना नोट करो बच्चों, लिखा बेटा, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं हैलोजन फैमिली की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, अगर मैंने हैलोजन फैमिली की बात करनी है, राइट, तो हैलोजन फैमिली में सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, और ऊपर से नीचे आने पर आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ शेल, ये भी आप जानते हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियाई और साइज दोनों क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो अगर मैंने कहा हुआ है कि मेरे पास जो टाइप है, कि भाई मैंने ए बी टाइप ले रखा है, ए की रेडियाई जो है, यानी ए की रेडियाई बी से ज्यादा है, तो हम कौन कौन से एग्जाम्पल बना सकते हैं, सीएलएफ देखो इसकी रेडियाई से ज्यादा है, या हम कह सकते हैं आईबीआर, क्या एक ये ए है ये बी है, इसकी रेडियाई से ज्यादा है, इज दैट क्लियर? बी आर आई नहीं हो सकता है, लेकिन आई बी आर पॉसिबल है, इज दैट क्लियर? यानी ए की रेडियाई हमेशा बी से ज्यादा होगी,
यानी कि पहले वही एलिमेंट लिखा जाएगा, पहले इंटरनल हैलोजन में वही एलिमेंट लिखा जाएगा जिसकी रेडियाई ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? मेरी ध्यान समझिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि क्या, अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं क्वेश्चन में ये कह देता हूं कि क्या FCl, तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, है ना। अगर मैं कहता हूं Br, BrI, तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम शुरुआत नॉमनक्लेचर में जब हम शुरुआत करते हैं तो उसी एलिमेंट को लिखेंगे जिसकी रेडियाई साइज ज्यादा होगी, जिसकी रेडियाई साइज ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे। एक ही रेडियाई हमेशा बी से ज्यादा होगी, इस बात का इंटर हैलोजन कंपाउंड में ध्यान रखना है। दूसरी बात बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को AB3 टाइप चाहिए, फिर वही बात कि ए की रेडियाई बी से ज्यादा है, तो अगर मैं एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं ClF3 कह सकता हूं, या BrF3 कह सकता हूं, या ICl3 कह सकता हूं। आप सभी केस में देखो इसकी रेडियाई इससे ज्यादा है, इसकी रेडियाई इससे ज्यादा है, इसकी रेडियाई इससे ज्यादा है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं AB5, देखो सारे एग्जांपल इसी से निकल रहा है, AB5 में भी वही बात, ए की रेडियाई बी से ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल मैं बना सकता हूं BrF5, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, या मैं कह सकता हूं IF5, ये भी कह सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं इस वाले केस में Br की रेडियाई एफ से ज्यादा है, आई की रेडियाई एफ से ज्यादा है। और भी आप बना सकते हो, बस इसी टर्म कंडीशन का ध्यान रखना कि जो ए है उसकी रेडियाई ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं गुरुजी ने इतना ही लिखा दिया तो इतना ही होगा, और भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये कहता हूं AB7 टाइप, अगर मैं ये कह रहा हूं तो ए की रेडियाई फिर से बी से ज्यादा होगी, राइट। तो आप एग्जाम्पल बनाना चाहो तो बना सकते हो, IF7 कह सकते हो, कैसे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ना, खूब पूछा भी जाता है। और इन सभी के स्ट्रक्चर, बच्चों मेरी बात सुन लो, इन सभी के स्ट्रक्चर मैंने केमिकल बॉन्डिंग में खूब अच्छे से कराया है वेस्पर थ्योरी में। इज दैट क्लियर? छापो लिखो बेटा, लिखो बच्चों, लिखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंटेन पोलैरिटी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन आर कलरलेस बट अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड एक्सेप्ट फ्लोरीन आर कलर्ड ड्यू टू हाई मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, बिकॉज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर बट हैलोजन आर नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट लिखो बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ AB डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between A and B. Next, ClF3 and BrF3 are used for production of UF6. Bracket में uranium hexafluoride
UF6।